बकरा चाहिए जो इस किताब को पिंजरे से बाहर निकाल सके, क्योंकि जो भी इस किताब को निकालेगा उसे इस पिंजरे में कैद होना पड़ेगा। चलिए काका, चलो यहाँ से। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम, महाराज ने बुलाया है, जल्दी। दरवाजा खुला है, अंदर मुझे आविष्कार मिलेंगे। छी, कीड़ा। आचार्य जी भी क्या क्या करते हैं? ये क्या? आचार्य जी, मैं पता लगाता हूँ, अंदर खतरा हो सकता है। कीड़ा, बचाओ! कीड़ा भूत, बचाओ! भीम, भीम पता लगाएगा अंदर क्या है। संभाल के भीम। ये क्या है? राजू, अंदर क्या था? मम्मू, वो अंदर कौन है? भीम, बाहर आ जाओ। अजूबा जानवर, ये अंदर आविष्कार की खोज में गया और फिसल गया। आचार्य जी, आप कालिया को ठीक तो कर देंगे ना? हाँ हाँ, मैं कुछ न कुछ खोज ही लूँगा। यूरेका, मिल गया। कालिया, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, बिल्कुल चंगा कर दूंगा। ये धीरे धीरे मेरी पूंछ। कर दिखाया मैंने। मैं ठीक हो गया। कीड़ा उस्ताद, नहीं। क्या खुशबू है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो मुझे दुख रहा है, ये क्या हो गया? अरे मेरी टांग पर किसकी टांग है? रुको, छोड़ो ना। क्या कर रहे हो? उस आदमी ने हमें इस सफेद चादर में लिपटा देखा और उसे लगा कि कोई भूत है। ये बढ़िया आइडिया है, क्यों ना हम भूत बनकर और लोगों को डराए। ये जगह सही होगी, ये खाली रास्ता कई ग्वाले इस्तेमाल करते हैं। चलो बस। भूत, भूत, मीठा। हाँ, मेरे पास मीठा है। हाँ, बेसन के लड्डू सब ले लो। क्या खुशबू है! बोलो बोलो, हमारी तो मीठी लॉटरी लग गई।
उस भूत को मीठा चाहिए था। शुक्र है कि मेरे पास जलेबी थी, मैंने सारी जलेबी उसे दे दी और वहाँ से भाग लिया। पता नहीं मेरे पास जलेबी ना होती तो क्या होता। मुझे भी भूत ने डराया मीठे के लिए, मैंने तो हलवे का डब्बा रखा और भागा वहाँ से। आज से तो मीठा लेकर ही घर से बाहर निकलो, कहीं वो मीठा खाने वाला भूत फिर आ गया तो क्या करेंगे। बड़ी अजीब बात है, भूत सब लोगों से मीठा ही मांग रहा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सभी गांव वाले डर कर घर में बैठ गए हैं, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे पास एक बड़ा ही मजेदार तरीका है। अंधेरे में ये काले धागे नहीं दिखेंगे और ऐसा लगेगा चीजें खुद ब खुद हवा में उड़ रही हैं। आज रात तो लड्डू का त्योहार होगा। दरवाजा किसने बंद किया? छोड़ो दरवाजे को, यहाँ कोई नहीं है। चलो लड्डू ढूंढते हैं। कहाँ गए लड्डू? कौन है? मैं हूँ भूतों का राजा। देखा, गलत पैतरे और गलत रास्ता कभी भी सही नहीं होता। सही कहा भीम, अच्छा सबक सिखाया है तुमने कालिया और ढोलू भोलू को। वो सूखा बूढ़ा पेट कालिया को नहीं डरा सकता। बस आज रात यहाँ सो जाओ तो सब मान जाएंगे मैं ही असली हीरो हूँ। बस पेड़ ही तो है। दो दिन हो गए हैं और उस्ताद का कोई पता नहीं, लेकिन गया कहाँ है कालिया? रामू काका कह रहे थे कि उन्होंने उस्ताद को लाल पहाड़ के किले की ओर जाते हुए देखा था। लाल पहाड़ का किला? क्या तुम्हें पता नहीं वहाँ जादूगरनी रहती है? डरो मत ढोलू, हम उसे बचा लाएंगे, कोई बुरी चुड़ैल हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। नजर नहीं आ रहा। नीचे लो नहीं। लगता है उस कपड़े के पीछे कुछ छुपा है। संभल कर भीम। भीम, तुम उस जादूगरनी को रोको, उसने मुझे इस पिंजरे में कैद करके उस जादुई किताब को हासिल कर लिया है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कहीं हमें देर ना हो जाए। अगर उड़ के जाए तो बिल्कुल नहीं। ढोलकपुर की तबाही। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकलो, वरना तुम्हारी खैर नहीं।
हम्म।